हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको मैं ये वीडियो बनाया हूँ, सेवन कोटिंग वाटर प्रूफिंग। आपको मैं दिखाऊंगा छत के ऊपर कैसे वाटर प्रूफिंग किया जा रहा है। वाटर प्रूफिंग कब किया जाता है, सबसे इसका बड़ा कारण होता है कि अगर छत पे क्रैक्स आने लगते हैं, सिलेंडर और लीकेज जब घर में जाने लगता है, तो वाटर प्रूफिंग का काम किया जाता है। मात्र वाटर प्रूफिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे छत का क्रैक, सिलेंडर लीकेज इससे दूर होता है। कई लोगों को नहीं मालूम होता है कि वाटर प्रूफिंग से सिलेंडर लीकेज कैसे दूर होता है, तो वो लोग अपना क्या करते हैं कि सिलेंडर लीकेज जब दीवार में बनने लगता है, छत के सीलिंग में बनने लगता है, तो उसको पेंट कराते हैं और अपने पैसे का नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही कोई आपको बताया होगा। मैं आपको इसीलिए वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको ए टू जेड सब कुछ आज मैं आपको बता दूँ कि वाटर प्रूफिंग कैसे होता है, कब क्यों जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आप देख रहे हैं, हर एक छत के ऊपर, हर एक बिल्डिंग के ऊपर, जस्ट बगल में भी वाटर प्रूफिंग का काम किया गया। वाटर प्रूफिंग के काम करने के बाद ही टाइल्स लगाया गया है, या वाटर प्रूफिंग को भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में भी नया नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो नया नया कंस्ट्रक्शन होने के बाद अगर तुरंत वाटर प्रूफिंग काम करा देते हैं, तो आपको आने वाले समय में छत पर क्रैक नहीं होगा, सिलेंडर लीकेज से आपका मकान बचा रहेगा। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग जो है एक आर्किटेक्ट के वेल डिजाइन के तहत ही इसको बनाया गया है। तो इस यहाँ पर जो भी बिल्डिंगें बनी हैं उनके ऊपर वाटर प्रूफिंग किया जा रहा है। टोटल सेवन कोटिंग वाटर प्रूफिंग हो रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं वीडियो में, ये रबड़ केमिकल इस पर लगाया जा रहा है, ये फोर्थ कोटिंग हमारा चल रहा है। तो रबड़ केमिकल सूखने के बाद, ये एक तरह से पॉलीमर होता है, सूखने के बाद पूरा तरीके से रबड़ बन जाता है और एक लेयर हो जाता है। जब रबड़ का लेयर आपके छत के ऊपर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कभी भी इसके ऊपर पानी गिरेगा, टंकी का पानी हो या बारिश का मौसम का पानी हो, तो ये लीकेज नहीं बनाएगा, छत फटेगा नहीं। ये फाइबर मेश लग रहा है इसके ऊपर, फाइबर मेश लगाने से ये फायदा होगा कि ये ग्लास का बना होता है, इसे छत पर क्रैक नहीं होता, एक तरफ से छत में पूरी तरह से चिपक जाता है और एक छत का हिस्सा हो जाता है। तो ये क्या होगा कि जब भी सनलाइट पड़ेगी या मौसम का मार आपके छत के ऊपर पड़ेगा, तो जो क्रैक आता है उस क्रैक को होने नहीं देगा फाइबर मेश, क्रैक जो है इससे बचा रहेगा। जब क्रैक नहीं होगा तो सिलेंडर और लीकेज भी नहीं होगा। तो टोटल सेवन कोटिंग का ये भी एक ट्रीटमेंट है जो फाइबर मेश लग रहा है। फाइबर मेश के बाद भी एक दो कोटिंग और होगा, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। हमारा वीडियो पर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। जो वाटर प्रूफिंग की सर्विस है पूरी दिल्ली से लेकर इंडिया में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में इसका ट्रीटमेंट दे दूंगा, कैसे क्या करना, और नंबर भी दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये टोटल सेवन कोटिंग वाटर प्रूफिंग हो रहा है। कई लोगों को नहीं मालूम होता है सेवन कोटिंग, तो वो अपना एक दो या तीन कोटिंग ही करा लेते हैं। जो इसका जो खर्चा आता है, मैं आपको खर्च के बारे में बता दूं कि जो ये दिल्ली एनसीआर रीजन है या पूरे इंडिया की बात करूं, तो ये 40 रुपये से लेके और करीब करीब 180 रुपया लोकेशन के हिसाब से इसका रेट लगता है। दिल्ली एनसीआर में है ये 40 रुपये से लेकर 70 रुपये तक रेट है। आप हिमाचल प्रदेश में चले जाए पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ पर 100 रुपये के ऊपर का रेट होता है। लोकेशन के हिसाब से जो है अलग अलग इसका रेट होता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी कुछ लग जाता है, जिसकी वजह से इसका रेट है जो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप छत पे टाइल्स लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो टाइल्स लगाने से पहले आप ये काम जरूर कर लें। ये जो है वाटर प्रूफिंग काम कराने के बाद ही कोई काम कराए चलो।